रहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से। आप सबको सुबह के नमस्कार। गुड न्यूज टुडे में आज आपको मैं कुछ सुंदर दोहे सुनाने वाला हूं। प्रसिद्ध भक्त कवियों के लिखे हुए दोहे, दो लाइन के होते हैं तो उनको दोहे कहा जाता है, लेकिन अथाह समुद्र का ज्ञान उसमें भरा हुआ है। ऐसे ऐसे सुझाव इसमें भरे हुए हैं कि आपके जीवन को वो सुंदर बनाते हैं। और हमारे गुड न्यूज़ टुडे का मकसद ही यही है कि आपके जीवन को सुंदर बनाना। वो सुंदर तभी बनेगा जब अच्छी अच्छी बातें होंगी। तो आज अच्छी बात में सुनिए ये सुंदर दोहे। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंधे मोहे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंधे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ ही चले एक बंधे जंजीर हो, एक सिंहासन चढ़ ही चले एक बंधे जंजीर। जो आया है वो जाएगा, लेकिन लोग ये मानने को तैयार ही नहीं। दूसरे को जाता हुआ देखते हैं लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि उन्हें भी जाना, फिर वही उलझनों में फंस जाते हैं। एक बार कुछ लोग कबीर से मिलने कबीर के गांव पहुंचे, उन्हें कबीर की रचनाएं बहुत पसंद थी तो उनको देखने की इच्छा जागी तो पहुंच गए। कबीर घर में नहीं थे, बड़े पड़ोसियों से पूछा कहां है कबीर, तो उन्होंने बताया कि उनके एक मित्र की मृत्यु हो गई है तो शमशान घाट में गए हुए हैं, आप लोग जाइए वहां मिल लीजिए। तो इन लोगों ने पूछा कि लेकिन हम कबीर को पहचानेंगे कैसे, वहां तो बहुत लोग होंगे, हम तो उनको जानते नहीं, कभी देखा नहीं। तो पड़ोसियों ने कहा कि कबीर को आप पहचान जाएंगे क्योंकि उनके मस्तक पर हर वक्त एक लौ जलती रहती है, ज्ञान की लौ जलती रहती है, आप उन्हें देखते ही पहचान जाएंगे। ये लोग पहुंच गए शमशान घाट और वहां जाके क्या देखते हैं कि जितने लोग हैं उन सबके मस्तक पे लौ जल रही है, क्योंकि वहां जाकर तो सब ज्ञानी हो जाते हैं। वहां जाकर सब यही कहते हैं जीवन में क्या रखा है, सब बेकार है, सब यही रह जाता है। वो लोग वापस आ गए और पड़ोसी से कहा कि हम तो उन्हें पहचान नहीं पाए क्योंकि वहां तो सबके लौ जल रही है। तो वो पड़ोसी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि आप शमशान घाट के दरवाजे पर खड़े हो जाइए, लोग बाहर आते जाएंगे वो लौ मिटती जाएगी, माया मोह में लोग फंसते जाएंगे, एक कबीर ही होगा जिसके वो लौ जलती रहेगी, आप उसे पहचान जाएंगे। ऐसे थे कबीर, जहां होते थे अपनी ज्ञान की लौ के साथ होते थे, कुछ सिखाते ही रहते थे हर एक को किसी न किसी तरीके से। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ ही चले एक बंधे जंजीर, दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय,
बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, कबीर ने इशारा किया संसार रूपी चक्की की ओर। इस चक्की के भी दो पार्ट हैं, धरती और आकाश, दिन रात चलती रहती चक्की। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हाड़ जले जू लाकड़ी, केश जले जू घास, सब जग जलता देख के भय कबीर उदास हो, भय कबीर उदास। कबीरा खाई कोट की पानी पीवे न कोई, सड़क के किनारे जो गंदे पानी की नालियां होती हैं उसका पानी लोग पीते नहीं। कबीरा खाई कोट की पानी पीवे न कोए, जाए मिले वो जब गंग से तो गंगोदक होए, जाए मिले वो जब गंग से तो गंगोदक होए। और इसी भावना को तुलसीदास जी कैसे कहते हैं, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, छोटा सा पौधा होता है तुलसी का, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई, ईश्वर को रिझा लीजिए सारी दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की बन गए तुलसीदास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। दुख में सुमिरन सब करे, कोई दुख आता है सब मंदिर में बैठ जाते हैं पूजा करने कि भगवान बचा लो हमें, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई, तो दुख काहे को होई। रही मन बड़न को देख कर लघु नदी जे डार, रहीम कहते हैं किसी बड़े आदमी से दोस्ती हो जाए तो अपने गरीब मित्र को भूलिए नहीं। देखिए ये तो भगवान कृष्ण ने भी हमको शिक्षा दी, जब सुदामा मिलने पहुंचे कृष्ण को तो कृष्ण ने अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाया, अपने गरीब मित्र को, और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। रही मन बड़न को देख कर लघु नदी जे डार,
जहां काम आए सुई, क्या करे तलवार हो। जहां काम आए सुई, क्या करे तलवार। रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो किचकाए, टूटे से फिर ये ना जुड़े, जुड़े तो गांठी पड़ जाए हो, जुड़े तो गांठी पड़ जाए। गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि आपके अंदर का विश्वास जगाया जाए, आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं कि आपके विचार पहले से अधिक सुंदर हो जाएं और आपको विश्वास हो जाए अपने जीवन पे, आपको विश्वास हो जाए अपनी शक्ति पर कि आप किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। अच्छी खबरें, अच्छी बातें, अच्छे गीत, ये सब आपको मदद करेंगे और मैं रोज़ सुबह आपके पास आ जाऊंगा अच्छी बातें करने। आज यहीं तक, कल सुबह फिर मिलते हैं।